नमस्कार, मैं राहुल TMT टॉप 5 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि कश्मीर की जनता ने 70 साल अनुच्छेद 370 के साथ बिताए हैं, अब हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए बिना कश्मीर में आतंकवाद का सफाया नामुमकिन था। बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। तिलमिलाय पाक ने कहा जाएंगे संयुक्त राष्ट्र। अनुच्छेद 370 के संबंध में भारत सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान तिलमिला गया है। उसने इस फैसले को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए कहा है तो वह इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपील करेगा। बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। वीडियोकॉन की विदेशी संपत्ति बेचेगा SBI। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने वीडियोकॉन इंडस्ट्री के विदेश स्थित तेल व गैस संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं आज की चौथी खबर की तरफ जो खेल से संबंधित है। वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ करना चाहेगा भारत। दोनों टीमों के बीच अंतिम और तीसरा T20 मुकाबला आज। बढ़ते हैं आज की पांचवी खबर की तरफ जो कि खेल से ही संबंधित है। स्टेन ने लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऐसा फैसला उन्होंने लंबे समय से चोटिल रहने के कारण लिया है। हालांकि वह T20 और वनडे खेलना जारी रखेंगे। आपको बताते चलें कि डेल स्टेन ने 93 टेस्ट मैच में 439 टेस्ट विकेट लिए हैं। तो ये थी आज की टॉप 5 न्यूज़। मैं राहुल, टाइम्स न्यूज़ टुडे।